जी हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ दामोदर राव और यहाँ आपके सामने बैठे हुए हैं प्रमोद प्रेमी यादव जी। इस फिल्म के हीरो हैं। फिल्म का नाम है कवन रोग लगौलू ए गोरी, जिसके लेखक और राइटर बगल में बैठे हुए हैं वृंदा जी, और उनके बगल में टाइगर जी बैठे हुए जो प्रोड्यूसर हैं, और फिल्म के डायरेक्टर हैं प्रशांत गुप्ता जी, जो अभी पटना में। तो आज यहाँ मुंबई में म्यूजिक पे काम चल रहा है और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि जिंदगी में पहली बार कहिए प्रमोद जी के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। फर्स्ट टाइम? हाँ, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और हमारी शुभकामना है कि ये बस एक दो साल की बात है, ये फिर हाथ में नहीं आएंगे, उनके पास टाइम ही नहीं रहेगा जहाँ तक भोजपुरी का ट्रेंड आजकल चल रहा है। और गायकी आप जानते ही हैं, काफ़ी लोकप्रिय है, मार्केट में बहुत ज़्यादा हिट है, बस दो तीन फिल्मों की ज़रूरत है एक बार मचा हल्ला कि फिर तो फुर्सत ही नहीं रहेगा। तो मुझे बड़ी खुशी है कि स्टार्टिंग में हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि प्रमोद प्रेमी जी इस फिल्म को मन लगा के काम करें, तीन चार गीत भी इसमें गाएंगे ही, लाजमी है क्योंकि भोजपुरी का जो एक ट्रेंड है कि भोजपुरी के जितने हीरो हैं वो पहले सिंगर थे, वैसा ही ट्रेंड में ये भी शामिल है कि ये गायक हैं और दो तीन फिल्मों की साइन कर भी चुके हैं, कई फिल्मों का एक्टिंग भी अभी कर रहे हैं, शूटिंग चल रही है, हो गया कंप्लीट हो गया। हाँ, तो बड़ा धूमधाम से मुहूर्त भी हुआ था इसका, कौन रोग लगौलू ए गोरी, जिसके गाने काफ़ी अच्छे हैं। तो मैं चाहूँगा कि प्रमोद प्रेमी जी इस फिल्म के बारे में कुछ बताएँ, अपने बारे में बताएँ आप सब ऑडियंस को कि कैसा लग रहा है कि फिल्म में बस शुरुआत इनकी हो गई है, और क्या कहना चाहेंगे प्रमोद प्रेमी। सबसे पहले आप सब तमाम भोजपुरी भाई लोग को हम प्रमोद प्रेमी यादव प्रणाम करते नहीं, जैसे हम बड़े भैया दामोदर राव जी के भी नमस्कार, मेरे अंकल जी वृंदा जी के नमस्कार, टाइगर भाई बड़े सबके, पूरा हमने के टाइगर फिल्म जितने भी हमने के सदस्य बन जो सब है, और सब के हार्दिक अभिनंदन बा, नमस्कार बा। आज देखिए अभी हमने जो मिल के पिक्चर करते हैं, जा कौन रोग लगौलू ए गोरी टाइगर फिल्म्स के द्वारा, जिसमें म्यूजिक डायरेक्टर हमारे बड़े भैया दामोदर राव जी बनी, लेखक हमारे भृगु बिंदा चचा जी बनी, और गीतकार हमें अरुण बिहारी जी बनी, और दो तीन राइटर और बा, और ये कहानी बहुत ही अच्छा बा, एक शूटिंग के डेट भी फिक्स हो चुकल बा, और जो डायरेक्टर हमारे बानी प्रशांत गुप्ता जी, और सारे श्रोता लोग से यह कह कि आप सब मन की बड़ी मेहनत से पिक्चर कर जा आप सब पिक्चर बन जाए जल्दी करे रिव्यू करेगा, आप सब एकदम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करके हिट करे। हम तो चाहता नहीं कि ऑडियंस करेगा, अगर बताओ तो नहीं अपने बारे में, तो अभी तक काफ़ी गाना हिट भैल बा जो पब्लिक जाना था, तो कोई एक लाइन रहो गुनगुना सकते नहीं जो रहो काफ़ी पसंद आई लोग क्या हिट भैल। देखिए भैया अभी दो पिक्चर हमारे तैयार भले, बॉर्डर पार सजनी हमार एक चना चूर वो में एगो गीत पिक्चर में जितना हिट बो गीत अभी दलाइल बो गीत हमारे दो साल पहले आई रहे, अरे कि कह देनी गलती अंधेरे में, अरे तनी सा करवट फेरे में, लागल रतिया केहू नी से धैया ए सखी, अरे कि वही दिन से रुसल बाड़े सैया ए सखी। बॉर्डर पार सजनी हमार में गीत डलाइल बा, उमें एक और गीत डल जो मार्केट जो सुपर हिट बा हमार, ये एक अरुण बिहारी गीत लिखल रहे भाई, अरे कि सुनवा के लौ किटिया सिकरिया हो, सिकरिया नम दो के कर दिहल हो, कि तहरा गलिया प दत के निशानिया हो, बताओ चूमा के कर लिहल हो। बहुत सारा अच्छा अच्छा गीत तो पिक्चर में डाला है भैया, हालांकि एक महीना बाद रिलीज पर भी बा होखे वाला बात, तुरंत ही आप सब करके जा जाके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो पिक्चर की हिट करावे के बाद मैं मतलब भैया कुछ बोल ही दूंगा। तो जरूर ये देखें जा देख लानी जाए कितना बढ़िया आवाज़ बा, कितना मधुरता बा, कितना सरलता बा, जो भोजपुरी के हमने के फोक जो आवाज़ होला एकदम लगता कि करेजा काट के खींच लाल जाए, वैसा आवाज़ में वो जादू बा,
तो रउआ सभी के आशीर्वाद चाहिए यहाँ के कि यहाँ के जल्दी एकदम धूम मचाई आ यहाँ के बाद रउआ सभी लगे पहुँचे। ये फिल्म के गीतकार और लेखक बने धीरू बृंदा जी, उन्हों के दूसरा बोलता नहीं। हम धीरू बृंदा सबको प्रणाम करते हैं, आप सबको प्रणाम करते हैं। पिक्चर बलमूल गपरप लेके बने जा रहा है भैया, कौन लोग बोला गौरी गौरी कहें कि यूपी की मैंने पूरा अपना भोजपुरिया में ये बबुआ के गाना एकदम चोट पर एकदम बज रहा था हर जगह। यही से हमारा प्रोड्यूसर के ख्याल में आई कि भाई अगर ऐसा मैंने एक सिंगर के लेकर अगर पिक्चर बनाओ जी तो जरूर मार्केट में चल। यही से चुनाव भाई और ओकरी बाद से शुरू हो गई कौन लोग गौरी गौरी। ये पारिवारिक सामाजिक कहानी बात सब क्यों मैंने बैठ के देख सकेला में हर चीज़ हर मनोरंजन मिली, कॉमेडी प्यार मोहब्बत टेंशन हर चीज़ देखे के मिली, छोट लड़का जवान सब देख सकेला सब कर खातिर में मसाला। फिल्म के प्रोड्यूसर साहब बारे टाइगर आई मिलल जाओ हमारे छोट भाई सुखदयाल सोहरा जी जे तमाम एल्बम में भी हमारे गीत लिखले बनी, अरुण बिहारी जी सुखदयाल सोहरा जी चाहत भी सुखदयाल सोहरा जी से कुछ आप सब बात करी। प्रणाम करते हैं सब भोजपुरी भाई लोग के, बहुत खुशी होता है कि मतलब भैया के साथ गाना लिख के बहुत कुछ सीख मिलेला। आ भैया के बहुत जल्दी पिक्चर शूट होके वाला बाटे कौन रोग लगौलू ये गोरी, एकरा बहुत अच्छा अच्छा गीत बाटे, बहुत अच्छा कहानी बा ठीक बटे, बहुत अच्छा मतलब म्यूजिक बटे भैया दमोदर राव जी के। तो हम ये और वह सब से अनुरोध करब कि पिक्चर बहुत जल्द शुरू होखे वाला बटे, आई पिक्चर के रुआ से ज़्यादा संख्या में जाके देखिए, आशीर्वाद प्यार दीजा कि भैया ताकि बहुत आगे बढ़स। जी सुरदयाल जी देखिए यहाँ के छुपा रुस्तम बानी, यहाँ के प्रमोद जी के संगे एकदम ऐसा चिपक के चलता नहीं, एकदम बांध ले बानी यहाँ के एकदम यहाँ के बल पे मुँह के मजबूती अंदर से भरल बाकी सुख दयाल जी इतना बढ़ गीतकार संगे बानी जा संगे मिल के काम करके बड़ा एगो लगन बा मन बा बात भी मिलता मन मिलता। तो हम प्रमोद जी के बारे में एगो और ही बात कहें कि आज से दो तीन साल पहले हमरा से फ़ोन पर बात भई तो हम कहानी कि काहे देरी कैले बानी जल्दी यहीं बम्बई में वहाँ कहानी अच्छा जरूरत हुई तो आई जाई अब उस समय आ गई बा अब यहाँ के वहाँ के एकदम टीम मजबूत कर बानी खूटा मजबूत हो गई बा। एगो हमारे भैया बाड़े गजानन चतुर्वेदी तो उनका गाड़ी में बैठनी तो गाना प्रमोद प्रेमी जी के सुनावे लगल है कहले बाबू देख हई गायकी सारा खेल खराब हो जाए खाली मार्केट में आ जाइए तो हम कहानी कि जल्दी कोनो समीकरण बनो कि प्रमोद प्रेमी जी हमारा फिल्म में हीरो रही आउ संजोग आके बन गई। तो हम यही से उनका हम नाम लेंगे गजानन चतुर्वेदी जी भैया हमें भयंकर में रहें वो कहल कि बाबू देख ही गाना कैसन बा आ गाना सुनौले एकदम लाइव रिकॉर्डिंग मिजाज मस्त। तो हम कहीं ऐसा ऐसा बड़न बड़न लोग के आशीर्वाद बा आ सारा भोजपुरिया समाज के आशीर्वाद चाहिए कि प्रमोद प्रेमी जी एकदम धुआंधार एकदम एल्बम में तो हिटे बनी है के अब फिल्म में भी सुपर हिट हो जाए। बस ये शुभकामना से रउआ सबके नमस्कार।